कैश की किल्लत हुई है उसको लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है, क्या वजह है, इस पर सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स एससी गर्ग ने क्या बयान दिया, आपको वो भी सुनवाते हैं। रुपए का नोट लें तो करीब 500 करोड़ रुपए के नोट एक दिन में प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब उसको हमने बढ़ा दिया है और अब जल्दी ही हमारे पास करीब 2500 करोड़ नोट, 2500 करोड़ रुपए के नोट हम एक दिन में प्रिंट कर लेंगे। नो रुपया बता रहे हैं, वैल्यू। सो 2500 करोड़ रुपए के नोट एक दिन, उसका मतलब ये होता है कि एक महीने में हम करीब 70,000 से 75,000 करोड़ के नोट केवल 500 रुपए के ही प्रिंट कर पाएंगे, बाकी और जो है वो तो है ही है। सो इससे आपको ये पर्याप्त अश्योरेंस होना चाहिए कि देश में पर्याप्त करेंसी थी जिसको हमने बढ़ी हुई डिमांड के हिसाब से सप्लाई करके पूरा किया। अभी भी हमारे पास पर्याप्त करेंसी है और हम उसको और बढ़ाने के लिए भी हमने आवश्यक कदम ले लिए हैं और किसी भी तरह की बढ़ी हुई डिमांड हो उसको भी मीट करने के लिए, उसको भी उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त करेंसी होगी। एक चीज़। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए और मेरे ख्याल से वाजिब है, वो ये है कि देश में सडनली ये डिमांड क्यों उठ रही है। इसका अभी पूरी तरह से कारणों में हम जा रहे हैं, लेकिन ऊपरी तौर से, मोटे तौर से अगर देखें तो एक तो ये कुछ हिस्सों में देश में ज़्यादा दिखाई दे रही है,